Hey everyone, a very, very good evening to all of you. Hope you are doing well and your preparation is going to be up to the mark for the September 24 examination as well as the November 24 examinations. चलिए मैं आज आपको बता देता हूं कि ICAI का जो एक डीम्ड पास वाला जो कंसेप्ट है, डीमिंग फिक्शन जो ICAI आपको देती है, डीमिंग फिक्शन दैट इज द वी आर एज्यूमिंग एंड वी आर डीमिंग फिक्शन, हम डीमिंग फिक्शन कर रहे हैं कि आप पास माने जाएंगे, तो उसकी क्या सिचुएशंस होती हैं। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ICAI ग्रेस मार्क सिचुएशंस, और इस ग्रेस मार्क सिचुएशन के अंदर ही ICAI क्या कहती है आपको कि हम मान लेंगे कि आप पास हो चुके हैं, राइट। तो यानी कि यहाँ पे डिमिंग फिक्शन दिया जा रहा है ICAI की साइड से कि हम आपको मान लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि बहुत इंपॉर्टेंट है ICAI का ग्रेस मार्क सिचुएशन क्या कह रहा है कि किन सिचुएशन में आपको ग्रेस मार्क दिया जाता है, और अगर आपको ग्रेस मार्क दिया जा रहा है तो देन एब्सोल्युटली इन द आईज ऑफ द ICAI, इन द आईज ऑफ द ICAI, ICAI आपको क्या मानेगी, यस यू आर कंसिडर्ड और यू आर डिमिंग फिक्शन, राइट, ही हैव बीन पास्ड। चलिए, इन एवरी अटेम्प्ट में हर एक अटेम्प्ट के अंदर ICAI क्या देती है आपको, ग्रेस मार्क प्रोवाइड करती है, लेकिन उसकी सिचुएशन होती है। So the only two situations where the grace marks can be given, दो situations होती हैं जहां पे grace marks को दिया जाता है, इसके अलावा और कोई situations यहाँ पे नहीं होती। In every attempt for the CA intermediate and CA final students, intermediate और the CA final वालों के लिए बात कर रहा हूँ, हर एक attempt के अंदर दो situations होती है इसे आपको grace marks provide करती है, और जब वो grace mark देती है तो उसके अंदर आपको क्या treat करती है, क्या deeming fiction देती है वो बताता हूँ मैं। पहली सिचुएशंस को पकड़ते हैं, राइट, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, तो हम पहली सिचुएशंस को पकड़ ले रहे हैं, राइट। तो पहली सिचुएशन में मैंने एग्जांपल लिया है, तो एग्जांपल में पेपर लिखा है मैंने यहाँ पे पेपर, और उसके बाद लिखा है मार्क्स, और उसके बाद लिखा है टोटल, राइट। तो पेपर नंबर वन सपोज, पेपर नंबर टू एंड पेपर थ्री, अभी आपके तीन पेपर चल रहे हैं। सपोज करो आपके पहले पेपर के अंदर नंबर आते हैं 55, आपको 55 मार्क्स ICAI ने अलॉट किए पहले पेपर के अंदर। सेकेंड पेपर में आपके 57 मार्क्स अलॉट किए ICAI ने, उसके बाद थर्ड पेपर में आपके 38 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 38 नंबर आपके थर्ड पेपर में आ रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब ICAI ने इसका टोटलिंग करा, 55, 57 और 38 का, जब इसका टोटलिंग करा तो ICAI ने पाया कि इसको 150 आ रहे हैं, मतलब आपका टोटल जो है वो 150 आ रहा है। टोटल आपका कितना आ रहा है? 150 आ रहा है, मतलब 300 में से, आउट ऑफ 300 में से आपका टोटल मतलब 50% अचीव हो रहा है, 150 मार्क्स आपके अचीव हो रहे हैं। तो ICAI अब ऐसे इसमें क्या करेगा, ICAI आपको इस वाले पेपर में, तीसरे वाले पेपर में ग्रेस मार्क दे देगा। इट मींस आपको पहली सिचुएशन में ICAI क्या करेगा, हेयर टू मार्क्स विल बी गिवन इन पेपर नंबर थ्री, आपके पेपर नंबर थ्री में दो मार्क्स का ग्रेस मार्क दे दिया जाएगा, एंड यू विल बी इन द आईज ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया deemed to have been passed, आपको क्या माना जाएगा, deemed to have been passed माना जाएगा। Hope so you are very clear with this, यहां तक clear होगा। चलिए next situations को पकड़ते हैं, situation number two। अब situation number two देखिए जरा, this is the different from the situation number one, situation one से different है। तो paper आपको यहाँ पे लिखे हैं paper one, paper two and paper three, right? उसके बाद आपको marks का column दिया हुआ है, मान लो पहले पहले paper में आपके 50 marks आ रहे हैं, सेकेंड पेपर में आपके 58 मार्क्स आ रहे हैं, और थर्ड पेपर में आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, राइट। तो ICAI ने जब इसका टोटलिंग करा तो 50 मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर, राइट, सेकेंड पेपर में आपके 58 मार्क्स आ गए, थर्ड पेपर में आपके 40 मार्क्स आ गए। अब ICAI ने कहा कि आपने हर एक पेपर में 40 मार्क्स क्रॉस कर लिया है, आपने हर एक पेपर में 40 मार्क्स का क्राइटेरिया तो फुलफिल कर लिया है, लेकिन आपका एग्रीगेट 150 को कम कर रहा है, लेकिन आपने ईच पेपर की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, तो यहां पे क्या होगा, ICAI अब आपको टोटल के अंदर देखो, हेयर ICAI विल गिव द टू मार्क्स एज ग्रेस एंड यू विल बी डीम टू हैव बीन पास। आपको डिमिंग फिक्शन दी जा रही है, यानी कि जब भी ICAI आपको क्या देती है, ग्रेस मार्क देती है, ग्रेस मार्क्स, राइट, तो ICAI डिमिंग फिक्शन मांगती है आपको कि आप एक्चुअली में तो पास नहीं हो रहे, लेकिन हम आपको मान लेंगे, दैट इज डीम टू हैव बीन पास, और आपकी मार्कशीट के अंदर ये नंबर 148 की जगह क्या आएंगे, 150 मार्क्स लिख के आएंगे। और इसी तरीके से सिचुएशन नंबर वन के अंदर जब आपका वहां आपकी मार्कशीट आएगी तो वहां पे इस 38 की जगह 40 मार्क्स लिख के आएंगे।
होपिंग सो यू आर वेरी क्लियर विद दिस एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह का एक क्वालिटी वाला कंटेंट आपको अगर हमेशा अपने मतलब कानों में डालना है तो प्लीज आप प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द सेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।